मोटापा, उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा, टाइप 2 मधुमेह और लकवा जैसे लोगों के लिए सामूहिक शब्द है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये नाम आजकल हर जगह सुना जाता है और दुनिया के अधिकांश देशों में मृत्यु का ये सबसे बड़ा कारण है। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये सच है कि आजकल लोग मक्खियों की तरह उन बीमारियों से मर रहे हैं जो अधिकांश मामलों में तथाकथित जीवन शैली की बीमारियां हैं और जिन्हें जीवन शैली बदलकर रोका जा सकता है, लेकिन फिर भी हम इसे स्वीकार कर रहे हैं जैसे ये कोई सामान्य बात है। लेकिन ये सामान्य बात नहीं है, किसी भी तरह से नहीं, विशेष रूप से जब आप जानते हैं कि 20वीं सदी के आरंभ में ये लोग लगभग दुर्लभ थे। डॉक्टर इन बीमारियों के पीछे छिपे किसी एक कारण पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। भले ही विज्ञान कुछ भी बताए, तथ्य सामने है और सबूत स्पष्ट है। मेरा यह मानना है कि एक शक्तिशाली समूह जिसे खाद्य उद्योग कहा जाता है, जो फैक्ट्रियों में डिब्बाबंद खाना तैयार करने वाली कई ट्रिलियन डॉलर का उद्योग है, इसका इसमें बड़ा हाथ है। तो आपके और मेरे जैसे औसत व्यक्ति तथ्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। 1977 में अमेरिका में फूड एंड ड्रग्स विभाग ने घोषणा की कि कोलेस्ट्रॉल स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने सिफारिश की कि लिगोन को कम से कम चिकनाई वाला भोजन करना चाहिए और हमने उनकी बात मानकर अपने भोजन से चिकनाई निकाल दी। लेकिन तब से आज तक दुनिया में मोटापा बढ़ता ही जा रहा है और जो रोग जाने के योग्य रोग थे, जैसे वजन का बढ़ना, मधुमेह या डायबिटीज, उच्च रक्तचाप या हार्ट अटैक जैसे रोग, अब बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरे मित्र बर्नी डेमेट कहते हैं, मैंने अपने पिता को मधुमेह से मरते हुए देखा और ये एक भयावह मौत थी, क्योंकि उनका शरीर अंदर से मानो खोखला हो गया था। इसलिए यदि आप उस चक्र को तोड़ना चाहते हैं तो 25kilograms.com पर बनी डेमेट की टीवी साक्षात्कार को देखें। आप 25 किलोग्राम वजन करने के लिए मुफ्त ई बुकलेट माई टॉप 3 सीक्रेट अर्थात वजन कम करने के 3 रहस्यों को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाइबल में नीति वचन 30 अध्याय 8 और 9 वचन में लिखा है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं यहोवा कौन है। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।